एक सवाल आया कि भाई अगर हमारा बंदा कोई किसी ने किसी के ऊपर हमारे बंदे के ऊपर करा दिया, वो बंदा हमें छोड़ कर चला गया तो क्या करे? हमारे बंदे को यानी कि हमारे भाई को, पिताजी को, या हमारी बहन को, बेटी को, किसी ने, या हमारी पत्नी को किसी ने कुछ कर दिया है, वो हमें छोड़ कर चली गई है, लड़कर चली गई है, घर से चली गई है, दूर चली गई है, तो अब क्या करें? कैसे उनको बुलाएं, कैसे उनको वापस पाएं हम लोग, या हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि जिससे वो घर वापस आ जाएं, या हमसे बोलना चालना शुरू कर दें, या जिसके चंगुल में वो फंसे हैं वहाँ से वो निकल जाएं? तो एक बहुत ही करारा सवाल है और बहुत ज़्यादा ये अक्सर हो रहा है आजकल, क्योंकि अब इंसानियत तो ख़त्म हो चुकी है लोगों में। 100-100 रुपए के लिए खून हो रहे हैं, किसी को आदमी अच्छे से बढ़ते हुए नहीं देख सकता किसी को। मतलब ये नहीं है कि आपकी किसी से लड़ाई होगी तो ही, ऐसा नहीं है, लोगों में एक खुंदक सी बन गई है अपने आप ही, एक जेलेसी हो गई है, एक जलन हो गई है कि भाई वो अच्छा क्यों कर रहा है, मैं अच्छा नहीं कर पा रहा हूँ, तो वो उसमें भी वो लोग कर देते हैं ऐसा। तो आज इस वीडियो में बाबा गुरु गोरखनाथ महाराज जी, जाहरवीर महाराज जी की कृपा से मैं आपको एक उपाय बता दूंगा कि जिससे आप जो, जैसे कि जिसके भी घर से कोई बंदा या बंदी, लड़का लड़की, औरत आदमी, जो भी चला गया है, किसी ने चाहे कुछ कराया है, चाहे वैसे ही लड़कर चला गया है, बाहर चला गया है, या कुछ भी हो गया है, तो वो वापस आ जाए, या उसकी बुद्धि ठीक हो जाए, या वो आपसे बात करने लगे, जो सारी कंडीशंस हैं वो सब इसमें होने वाली हैं आज। तो मैं आपको ये बताने वाला हूँ आज, जल्दी से आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा सभी को देखने के बाद में, और चैनल को जहाँ पर नाम आ रहा है चेला गोरख का, उसके बराबर में रेड कलर का बटन, लाल रंग का बटन है, सब्सक्राइब लिखा हुआ है जिसके ऊपर, उस लाल कलर के बटन को, लाल रंग के बटन को दबा दीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा चैनल को। गुरु महाराज की कृपा सभी पर बनी रहेगी। जय बाबा की। जय जय गुरु गोरखनाथ, जय हो जाहरवीर महाराज की, जय धाम आहार की, जय बागड़ की सरकार तेरी सदा ही जय हो। तो स्वागत है सभी का चेला गोरख का यूट्यूब चैनल, जो गुरु महाराज की कृपा चलता है आप सभी के प्यार से, आशीर्वाद से। तो प्यार आशीर्वाद बनाए रखें, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब दो चीज़ ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, मैं आपसे बार बार प्रार्थना करता हूँ, ठीक है। अब अगर आपके घर से कोई चला गया है, दूर चला गया, चाहे किसी भी वजह से, चाहे किसी ने करा दिया, कुछ खिला पिला दिया, या कोई बंदिश लगा दी है, कुछ भी हो गया है, वो आपको छोड़कर चला गया है, आपके घर पर नहीं है, चाहे वो बेटा है, बाप है, बच्चा है, भाई है, लड़की है, लड़का है, कुछ भी है, तो आपको ये छोटा सा उपाय करना है भाई साहब। एक चीज़ तो आपको क्या करनी है, अब ध्यान रखिएगा, एक चीज़ तो आपको ये करनी है कि आपको गंगा जल लेना है, ठीक है, थोड़ा सा गंगा जल, प्योर गंगा जल, उसमें पानी नहीं मिलाना है, केवल गंगा जल लेना है थोड़ा सा, और वो जो गंगा जल है उस गंगा जल को लेकर उस गंगा जल में 7 बार चाकू से काट कर, यानी कि गंगा जल आप किसी कटोरी में ले लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और उसको फिर चाकू लेके ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 7 बार काट कर, गंगा जल को 7 बार काट कर, और 7ों बार जब आप काटेंगे गुरु गोरखनाथ जी महाराज का नाम लेंगे इस तरीके से, ओम श्री गुरु गोरखनाथ नमो नमः, 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 इस तरीके से 7 बार काटेंगे और 7ों बार गुरु गोरखनाथ जी का नाम लेंगे, ठीक है। अब क्या करना है कि वो जो जल है उस जल को जो भी बंदा गया है, आपका भाई है, बेटा है, भाई पुत्र है, पति है, या आपका पिताजी हैं, या आपकी माता जी हैं, आपकी बहन जी हैं, बीवी है, कोई भी है जिसको आप वापस घर में बुलाना चाहते हैं, उसकी कोई भी तस्वीर आपके पास हो, कोई भी फ़ोटो आपके पास हो, उस फोटो को, जो गंगा जल है उस फोटो को उस नहला देंगे उस गंगा जल से, ठीक है, उस फोटो को गंगा जल से नहला देंगे। उसके नहलाने से क्या होगा कि आपके बच्चे पर अगर किसी ने कोई खाया पिलाया किया हुआ है, या कोई भी किसी तरह की बंदिश लगाई है, तो वो बंदिश 90% तक कम हो जाएगी, 90%, क्योंकि गंगा जल की शक्ति होती है कि वो हर तरह की गलत चीज़ जो होती है उसको ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। तो आपका 90% काम तो यहाँ हो गया, पर अभी क्या हुआ, केवल बंदिश, उसका दिमाग जो घुमा हुआ है वो सही नहीं हुआ है अभी, उसके लिए दूसरा उपाय बता रहा हूँ आपको मैं, ठीक है, उसके लिए दूसरा उपाय बता रहा हूँ, उसके लिए दूसरा उपाय क्या है, आपको साथ में ही करना है, दोनों उपाय एक साथ होंगे, ऐसा नहीं है कभी पहले दिन गंगा जल, दोनों उपाय एक साथ होंगे, किसी भी दिन ये उपाय किए जा सकते हैं, किसी भी समय ये उपाय किए जा सकते हैं, सुबह के समय भी, शाम के समय भी, दिन में अवॉइड कीजिएगा, सुबह या तो उगते सूरज के साथ या छिपते सूरज के साथ इस उपाय को कीजिएगा, ठीक है। गंगा जल से नहलाने के बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको 5 मीठी चीज़ लेनी है, 5 मीठी चीज़ मतलब चाहे तो 5 पेड़े ले लो, चाहे तो 5 गुड़ की डली ले लो, चाहे 5 बतासे ले लो, चाहे 5 जलेबी ले लो, चाहे 5 रसगुल्ले ले लो,
कुछ भी पांच नंबर, 1 2 3 4 5, 5 नंबर आपको लेने हैं। और वो 5 लेने के बाद में जो तस्वीर आपने गंगा जल से नहलाई थी, जिसकी तस्वीर को आपने जो गंगा जल से नहलाया था, उस तस्वीर के सामने वो 5 पेड़े रख देने हैं। ठीक है, 5 पेड़े रख देने हैं या 5 जलेबी रख देनी, जो भी 5 आप लेके आए वो रख देने हैं आपको। रखने के बाद आपको बाबा महाराज से प्रार्थना करनी है कि हे गुरु गोरखनाथ, हे मेरे बाबा महाराज, हे झारवी महाराज, आप जो मेरा बच्चा है, बेटा है, बहू है, बेटी है, पत्नी है, पति है, पिता है, जो भी है उसका नाम लेंगे कि ये इतने टाइम से हमसे दूर है, हमसे अलग हो चुके हैं, कोई भी कमी हो गई है तो उसको दूर करके इनको हमारे साथ वापस लाएं, इनकी बुद्धि को ठीक करें, इनके ऊपर जो ऊपरी शुपरी किया करा है उसको दूर करें और इनको हमारे साथ वापस लाएं। हे महाराज, हमारी प्रार्थना स्वीकार करें या हमारी प्रार्थना सुने, ऐसा आपको प्रार्थना करनी है। और वो जो 5 आपने लिए हुए हैं उनको, सपोज ये तस्वीर है, इस तस्वीर के ऊपर से 1 2 3 4 5 6 7 7 आपको घुमाकर उसकी, जैसे नज़र उतारते हैं ना बच्चे की, बिल्कुल इसी तरीके से 7 घुमाकर उसको, और वो जो मीठा है उस मीठे को किसी भी कुत्ते को डाल देंगे। ध्यान रखिए, कुत्ते को डालना है। काला कुत्ता मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, अगर काला नहीं है तो किसी भी कुत्ते को जरूर डालें। कोशिश कीजिएगा कि जो 5 आपने डाले हैं उनमें कुत्ता कम से कम 1 मुँह ज़रूर मार दें। जो भी मीठा आप डालेंगे उसमें मुंह जरूर मार दे, चाहे पूरा खाए ना खाए कोई दिक्कत नहीं है, पर कम से कम उन्हें झूठा जरूर कर दे 1 जो आप दोगे। ठीक है ना, तो आपको ये करना है, उनके पास जाना है, आपको देना है, उसके बाद फिर वापस आना है आपको। वापस आने के बाद आपको क्या करना है, अपने हाथ मुँह धोने, जब आप कुत्ते को डाल के आओगे तो वापस आना है, फिर आपके आके हाथ मुँह धोने आपको, पंच स्नान, ऐसे पंच स्नान करना है, एंड उसके बाद आपको थोड़ा सा जल लेना है, उसमें गंगा जल मिलाना है और उस जल को ओम श्री गुरु गोरखनाथ नमो नमः, ओम श्री गुरु गोरखनाथ नमो नमः करके पूरे घर में ऐसे छींटों को छिड़कना है, पूरे घर में छिड़कना है। ठीक है, आपको पूरे घर में छिड़कना है और फिर गुरु गोरखनाथ महाराज के, बाबा झारवी महाराज के हाथ जोड़ लेने हैं और उनसे फिर से वही प्रार्थना दोहरा देनी है कि भाई ये जा चुके हैं, जो छोड़ चुके हैं, जो कि कुछ भी किया कराया, कुछ भी है, जैसा भी है, उसको दूर करके हमारे पास उनको वापस लेके आए। तो इस तरीके से आपको प्रार्थना वो दोहरा देनी है। तो इतना सा काम है आपका, जो भी परिवार का सदस्य है, जो भी है, वो वापस ज़रूर आएगा, उसकी बुद्धि फिरेगी। बस आप जो भी काम किया करें, कृपया करके उसमें पूरी भक्ति और पूरी लगन और पूरे विश्वास के साथ किया करें, क्योंकि विश्वास से ही विजय होती है। अगर आप में विश्वास नहीं है तो आप कुछ भी चीज़ नहीं कर पाएंगे। तो जो भी कुछ करें आप पूरे विश्वास के साथ करें, पूरी भक्ति के साथ करें, पूरी ईमानदारी के साथ करें, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ आपका बंदा वापस ज़रूर आएगा। कुछ भी किया कराया हो, कुछ भी खिला पिलाया हो, सब टूट जाएगा भाई साहब, वापस ज़रूर आएगा। इस उपाय को कर लीजिए। ठीक है, बाबा महाराज की कृपा सब बने रहेगी। चैनल को शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और मैं जो बार बार कहता रहता हूँ कि बहुत सारे भक्त कहते हैं कि हम दान दे सकते हैं या हम पैसा दे सकते हैं आपको, आप ये काम कर दीजिए। भाई मुझे पैसा नहीं चाहिए, पर अगर आपको पैसा खर्च करना ही है, दान देना ही है, तो भाई साहब भविष्य फाउंडेशन जो कि समाज सेवी संस्था है उसको दे दीजिए, उसको ज़रूरत रहती है पैसे की, तो उसको आप दे सकते हैं। जय सतगुरु गुरुनाथ, जय बाबा महाराज, जय धाम।